हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वशिष्ठ टेंपल, जहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग है, जहाँ एक कुंड है जिसमें नहाने के लिए लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग है, और हाथ मुंह धोने के लिए अलग है बाहर। तो वहाँ चलते हैं अभी और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। यहाँ तो यार पार्किंग तो है नहीं, पार्किंग नीचे करके आनी पड़ती है, ये तो पता नहीं था। तो कहाँ खड़ी करूंगा यार, मैं अंदर चला जाऊंगा। भाई जी, ये वशिष्ठ टेम्पल यही है और पार्किंग? तो इस टाइम हम लोग आए हुए हैं वशिष्ठ टेम्पल और यहाँ पर हमने यही गाड़ी खड़ी कर दी है अंदर, बाइक जो है, और यहाँ लोगों ने अपने घर के पास ही पार्किंग बनाई हुई है। तो ठीक है, इनकी भी कमाई अच्छी खासी हो जाती है और जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है कि उनको पार्किंग मिल रही है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर ही। ये मार्केट और ये वशिष्ठ टेम्पल जो है, ये अंदर वशिष्ठ टेम्पल, ये सामने जो है। तो यहाँ के टूरिस्ट ज्यादा आ रखे हैं यहाँ पर, इस जगह भी वशिष्ठ टेम्पल के अंदर। और ये कितना पुराना होगा मेरे को तो आइडिया नहीं है, पूछ के देखेंगे जरा इनसे। ये भैया, ये कितना पुराना मंदिर है? ये कितना पुराना मंदिर है? 260 साल पुराना है। बहुत साल पुराना है, देख लो, 207 साल पुराना बता रहे हैं मंदिर, वशिष्ठ मंदिर। और यहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग मेरे ख्याल से है यहाँ पर अंदर ही। अच्छा, तो चलते हैं अंदर ही और देखते हैं अंदर। ये रैबिट्स देख सकते हो, कितने बड़े बड़े रैबिट्स हैं। ये रैबिट्स का साइज देखो। टेंपल्स जूते यहीं उतारने हमें। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर में, यहाँ पर चलते हैं पहले अंदर। तो पूरी लकड़ियों से बनी हुई है ये सारी, और बताओ 200 साल पुराना है, इसको रिनोवेट तो हो ही होगा तभी इतनी चमक है इसमें अभी। ये पूजा स्थान है बिल्कुल, पकड़ इसको स्पर्श तक नहीं करना इसको, ना ही यहाँ पे सामान रखे। मंदिर के सामने से दिखता हो तो और ये सामने पुरुष स्नान गृह बना रखा है। तो इसके अंदर एक कुंड है जिसमें आप जाके नहा सकते हैं आराम से, ये पुरुषों का। और यहाँ से अभी बाहर चलते हैं, तो बाहर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गेट से ये मंदिर के बाहर जाके, और मंदिर के बाहर से यहाँ से लेफ्ट साइड में ही स्त्रियों के लिए अलग से बना हुआ है स्नान गृह है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये गली बनी है, और इसके आगे भी एक नलके से लगा रखे हैं। ये थोड़ा सा आगे जाके है यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये आगे पे, ये कुछ दो हो रहे हैं यहाँ पर खड़े होके। तो यही जो जगह है ये गर्म पानी का है, ये सारा ये गर्म पानी आ रहा है इसमें, सारा हॉट वाटर स्प्रिंग सारे पानी यही बह रहा है। और ऊपर भी बना रखा है नहाने के लिए, पुरुषों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी। तो अच्छा खासा यहाँ पर लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी अच्छा खासा गर्म चला होता है, और सारे यहीं से पानी, कपड़े धोना, अपने हाथ मुंह धोना।
और नहाने के लिए भी यहीं पर ही। और ये गंधक का पानी होता है, और गंधक का पानी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनके चर्म रोग वगैरह हो वो इसमें नहा के अपना स्किन रोग ठीक कर सकते हैं। बढ़िया है ये भी। यहाँ तक कैसे हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ पहुँचा हुआ है? इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो तत्ता पानी में दिखाया था, तत्ता पानी का जो था। अभी वशिष्ठ टेम्पल से अंदर से होके आई हूँ, और अभी चलते हैं सीधा राम मंदिर। ये है राम मंदिर, यहाँ वशिष्ठ टेम्पल के साथ में ही है। ये काफ़ी ओल्डेस्ट लगता है मेरे को, बहुत पुराना लगता है ये भी। ये तुलसी तोड़ना मना है, और इस टाइम मौसम ऐसा है, इस टाइम तो सारी तुलसियाँ सूख जाती हैं। अभी श्री राम टेम्पल जय। के भी दर्शन कर लिए हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधा होटल की तरफ। अंदर कुंड बनाया हुआ है जो नहाने के लिए, गर्म पानी का कुंड है वो, और ये हॉट वाटर स्प्रिंग का। तो वहाँ पर फोटो वोटो लेना मना है, वीडियो बनाना मना है, तो वो बनाया नहीं मैंने, इसलिए बाहर से ही वही दिखाया जहाँ पर पानी नलका लगा रखा था, तो वो इतने हिस्से मैंने दिखाया अभी। और देख सकते हैं यहाँ पर दर्शनार्थी काफ़ी आए हुए हैं, सब मोस्टली हॉट वाटर स्प्रिंग देखने के लिए भी आते हैं लोग, और वशिष्ठ टेम्पल के दर्शन तो लोग कर ही रहे हैं। अभी मूड तो मेरा भी कर रहा था नहा लूँ जाके, पर ये है ना कि अभी इतना कुछ पहना हुआ है और साथ में ना तो टॉवेल है ना कुछ है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसके लिए आने के लिए तो फिर पूरी तैयारी करके आना पड़ता है यार। तो ये है वशिष्ठ टेम्पल का जो रोड है, यहाँ पे पूरी दुकानें सजी हुई है अच्छी खासी यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग आए थे वशिष्ठ टेम्पल के लिए, और ये सामने है टेम्पल जो अभी मैंने जो दिखाया था। बाइक हमने ऊपर खड़ी की है, थोड़ा टहलने निकलेंगे, तो टहलते हैं फिर उसके बाद फिर निकलेंगे। मोमोज 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 सिड्डू, बस वही नज़र आ गया। चलो ये देखो मैगी, हर जगह ऐसे मैगी के स्टॉल भी मिलेंगे। मेरा मन कर रहा था कुछ खाना खाने का, यहाँ पर है ऐसे पूछता हूँ क्या है खाने में। हमारे को राजमा चावल मंगा लिया, मेरा फेवरेट जो राजमा चावल है वही खाते हैं। और भी वशिष्ठ टेम्पल के पास ही हम लोग हैं जो हम बैठे हैं अभी। देखो वहाँ पे ये गाड़ियों की पार्किंग है, साथ में बाहर का व्यू भी बड़ा प्यारा है इधर से। और वशिष्ठ टेम्पल से हम लोग निकल के आ चुके हैं, घर भी जा चुके हैं, और फ्रेश व्रेश होके अभी सीधा मॉनेस्ट्री जा रहे हैं। और मॉनेस्ट्री मैंने पहले भी दिखाया था, दोबारा आप लोगों को फिर दिखाता हूँ क्योंकि मैं दोबारा आया हूँ यहाँ पे। तो दिखाते हैं आप लोगों को अंदर का माल। पहुँच चुके हैं हम लोग मॉनेस्ट्री, मनाली की मॉनेस्ट्री जो है, अंदर चलते हैं यहाँ से। वो क्या बोलते हैं, गोम्पा,
अच्छा लकड़ी पकड़ के घुमा। हाँ हाँ इसको लकड़ी को नीचे लकड़ी है ना उसको, हाँ उसको आगे आगे जाते जाओ, उसको लेके घुमाते जाओ। बहुत ही बड़ा है ये। से निकलने के बाद हम लोग मार्केट में आ चुके हैं इधर, और अभी थोड़ा कपड़े देख रहे हैं। तो बताइए कि यहाँ मनाली के पास पहुँचा ना, तो लाफिंग इनका बड़ा टेस्टी बनाते हैं यहाँ मनाली में जो है। हमने वहाँ पर दिल्ली के मनाली में भी खाया था पर उसमें इतना टेस्ट नहीं आया था, पर मनाली वाले मनाली के पास जो बनाया बहुत ही टेस्टी बनाया था लाफिंग जो है। मतलब जगह जगह के हिसाब से बढ़िया मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। सिड्डू और ये इनसे हमेशा हम आज जब भी आते हैं मनाली तो इनसे सिड्डू खाना नहीं बोलते, बढ़िया बनता है इनका सिड्डू जो है। 100 रुपीज़ का एक सिड्डू पड़ता है और बढ़िया टेस्टी भी है। मोमोज भी आपको मिल जाएगा इन्हीं के पास ही। और ये आपका साथ में ही सम्राट होटल है, सम्राट होटल के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो बढ़िया बनाते हैं ये, खा सकते हो आगे यहाँ पर। ये है माल रोड सामने, और माल रोड के सामने से इधर ही रोड है, और यहाँ सम्राट होटल के बीच में यहीं पर ही बैठते हैं। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज हम निकल रहे हैं वापस शिमला के लिए। तो दोस्तों निकलते हैं यहाँ से इधर शिमला के लिए वापस, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टूर दिल्ली या कहीं और देखते हैं। तबाही दिख रही है अभी, फ्लड की तबाही। फिर भी बहुत जल्दी काफी ठीक कर दिया है, रोड चलने लायक कर दिया, वरना तो सारा रोड गायब था। अभी भी देखो कितना काम रुका हुआ है, किनारे अभी भी सही से बने नहीं है, रोड पहले से छोटी हो गई है, कई मकान दुकान जो ढहे थे और दोबारा बने नहीं है। डंगा डाल रहे हैं साइड से, तारों की जालियां लगा लगा के डंगे डाले जा रहे हैं जिससे कि मजबूत रहे। इस रास्ते में आप आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को होट बैलून वगैरह बहुत नजर आएंगे, इसी रास्ते में बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। तो पहुंच चुके हम टनल में, और ये टनल ऐसा अंधेरा हो रहा है इसके अंदर में, ना तो इसमें पेंट किया हुआ है और इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन भी कोई फायदा नहीं कर रहा, यहाँ तक मेरी हेडलाइट की रोशनी भी बड़ी कम रोशनी दे रही है इसमें। मैंने फोग लाइट भी चला रखी है, वो भी किसी काम के नहीं है। तो अच्छी रोड आ चुकी है और यहाँ पर थोड़ा सा बनाना ही पड़ेगा, और ऐसे में व्यूज़ भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, और जिस तरीके से रोड बनी हुई है वो भी बड़ा प्यारा लग रहा है। तो इसे कैप्चर करते हुए भी अच्छा लग रहा है कि कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। अब पट्टी तक जाने के लिए रास्ता बहुत छोटा हो गया, मनाली से पट्टी तक का रास्ता काफ़ी शॉर्ट हो गया है। जितने भी टनल बन रहे थे ना इस बीच में वो सारे सूख चुके हैं। ये टनल देखो पूरा लाइटिंग पूरी नहीं हो चुकी है, पेंट वेंट हो गया। अभी जो एक बार निकल के आए थे वो अभी पेंट वेंट नहीं हुआ सही तरीके से, मेरे ख्याल से अंदर से पेंट वगैरह होना होगा। ये देखो एक बार आ गई है, ये तीसरा है, ये भी बढ़िया है, सारे चमक रहे हैं देखो, बढ़िया हो गया टनल बना के ना, रास्ता भी छोटा हो गया और सही से निकलने का भी आसान हो गया है।
था, रोड कई जगह ऐसी हो रही थी ना जहाँ से भगाना भी मुश्किल था, मुश्किल में बड़ा खराब रोड था। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये पंडोर डैम है, ये देखो सामने है जो बना हुआ है ये वाला। पहुंच चुका हूं घर शिमला अपने, तो फिर वीडियो को भी एंड करते, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।